जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज आपको सुबह में जो है ना केवल और केवल ट्रिक का वीडियो दिया जा रहा है और ये वीडियो आपको लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप केवल बोर्ड एग्जाम ही नहीं आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो इसका उपयोग कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी आप इसका बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और ट्रिक भी ऐसा जिससे कि बड़े से बड़े सवाल इसके सामने नष्ट-नाबूद हो जाए और आपके सामने वो सवाल घुटना टेक दे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सीखना है और आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हाँ, अब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो कहिएगा कि भाई ये क्वेश्चन तो दो दो तीन तीन पेज में बनने वाला है। आपको याद होगा यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 जो है ना उसमें यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें क्वेश्चन की उसमें एक एक क्वेश्चन दो दो पेज में बनता है, लेकिन आपके सामने जो खड़ा शख्स है आपके गुरुजी उस प्रश्न को एक लाइन में बनाने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यदि पूछ दिया ना तो सीधे दांत चीर दीजिएगा, ठीक है ना। काहे, जब आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, लेकिन हमारे विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट पता ना हो ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपके सामने सबसे पहले हम सवाल पेश करते हैं, आप एक बार सवाल को देखिए और आपको बुझा जाएगा कि अरे भाई आज तो मौज होने वाला है, एकदम मौज होगा। देखिए सवाल है, वाई बराबर साइन एक्स के पावर में, गौर कीजिएगा, साइन एक्स के पावर में एक्स, फिर वाई बराबर लॉग एक्स के पावर में कॉस एक्स, वाई बराबर साइन एक्स के पावर में कॉस एक्स प्लस एक्स के पावर में साइन एक्स, वाई बराबर एक्स के पावर लॉग एक्स प्लस साइन एक्स के पावर में एक्स, और आपसे पूछ कह देगा कि इसका डीवाई बटा डीएक्स का मान निकालिए। एक्सरसाइज 5.5 को यदि आप याद कीजिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको पता है इसको यू मानना है, इसको भी मानना है, फिर दोनों तरफ लॉग लगाना है, एक लंबा प्रोसेस होता है इसको बनाने का। लेकिन यदि आप हमारे यहां पढ़ रहे हैं और आपने कुछ नया ना सीखा हो, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं सीखा हो तो फिर फायदा क्या है भाई, फायदा क्या है यहां पढ़ने से। तो आप कहेंगे कि हाँ तो एक लाइन में बनाकर दिखाइए, था देखिए ना आपके सामने में आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर कितना होगा देख लीजिएगा आप लोग, एकदम देखते जाइए एक के लाइन में आंसर, एक के लाइन में इसका आंसर हो जाएगा और आप देखते ही रह जाएंगे कि अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आप देखते ही रह जाएंगे कि ये क्या हो गया, ठीक है ना। और आपको बता दे कि हम ही नहीं लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे आप तो लिख दिया हम कैसे लिखेंगे, आप भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है, अभी हम आपको सिखा देंगे, आप भी लिख दीजिएगा। आंसर बन गया है, देख लीजिए आंसर बन चुका है। हाँ, इस सवाल का आंसर बन चुका है, आप देखते ही देखते क्वेश्चन बना दिए। आप कहिएगा तेकरो लिख देंगे आंसर, लिख दे क्या, हाई देखिए, हाई देखिए आंसर लिख रहे हैं आप, देखिए ना आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं आप, देखिए हम आपको सिखाएंगे भी, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे तो हम आपको इसका तरीका भी सिखाने वाले हैं, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, आपको इसका हम आपको तरीका भी सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। यह हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये क्या है, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो, ए भाई ये क्या हो रहा है, इतना बड़का सवाल ऐसे कैसे बन गया एक लाइन में, ए बनेगा नहीं, बनेगा नहीं, यहाँ उलुल जुलुल काम चल रहा है। अब सीखो कि ये सवाल एक लाइन में बन कैसे रहा है। अच्छा देखिए, ऐसे ऐसे इसमें दो गो हो गया ना, तो पहले एक बार इसका और फिर एक बार इसका और दोनों के बीच में प्लस लिख दीजिए, हो बन गया, फिर एक बार इसका, फिर एक बार इसका, दोनों के बीच में प्लस लिख दीजिए, हो बन गया। लेकिन कैसे, अब आपका सवाल है कि कैसे, तो सुन लीजिए ऐसे, ध्यान रखना है, आज के बाद आपका जो आने वाला जो 7 पीढ़ी होगा ना वो नहीं बुला सकता है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। और आपके अंदर यदि क्षमता हो वाकई में तो कॉन्सेप्ट को भुला कर दिखाइए, हम हैं आपके लिए खड़ा भी, ठीक है ना। आइए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। पहले देखिए हम एक सवाल लेंगे, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा जो है ना इसको हम डिलीट करें। किसको डिलीट करें भाई, तो ये सब जो लिख दिए है ना, ये सब जो लिख दिए है ना इसको हम डिलीट, अच्छा ऐसे करते हैं, डिलीट ना करते हैं, डिलीट ना करते, ऐसे कहिएगा ना, ऐसे ऐसे में डिलीट ना करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आंसर मिलाने में मजा आएगा। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में को डिलीट कर देते हैं यहाँ से,
ठीक है ना, ये क्वेश्चन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, फिर लिख लेंगे जरूरत पड़ेगा तो कि हाँ चलिए हम क्वेश्चन को ही यहाँ से डिलीट कर दिए। अब हम आपको जो है ना इसमें से एक प्रश्न बनाकर दिखाते हैं। हम यही प्रश्न उठा लेते हैं, मान लीजिए पहला प्रश्न वाई बराबर क्या है, तो साइन एक्स के पावर में एक्स। सीखो पहले तो समझ लीजिए कि इसके dy बटा dx का मान आपको निकालने के लिए कहा जाएगा कि बताओ बाबू इसके dy बटा dx का मान क्या होगा। आज जिसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा मुंह फाड़ लेगा, हाँ हो गया बात खत्म। ठीक है कॉन्सेप्ट सीखो क्या होगा। पहले सवाल का टाइप देखिए कैसा है कि फंक्शन के पावर में फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन रहेगा। सुन लीजिए, तो यदि फंक्शन के पावर में फंक्शन रहे तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो जो दिया गया हुआ रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, जो दिया हुआ रहेगा फंक्शन उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, मतलब उसको जैसे के तैसे लिखेंगे। जो दिया हुआ फंक्शन रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद ऊपर वाला को ऊपर में, अब बट ये जो आपको आधार में दिख रहा है इसको नीचे में, तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला को ऊपर में या नीचे वाला को बट्टा में, ऊपर वाला को ऊपर में या नीचे वाला को बट्टा में। इसके बाद इनटू नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई कॉस एक्स। इसके बाद प्लस, अभी नीचे वाला का डिफरेंशिएशन किया है, अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा एक, इनटू यहां लिखना है लॉग, हमेशा हमेशा लॉग लिखना है लॉग, और नीचा वाला फंक्शन लिख दीजिए आंसर बन जाएगा। तो इसका हो जाएगा लॉग साइन एक्स, कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स। और अब एक बार आंसर मिला लीजिए, यही यहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से मिला लीजिए आंसर, वही लिखा हुआ है या नहीं है, है या नहीं है, सीखे कि नहीं। फिर से एक बार देखिए करना क्या है, जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसके बाद ऊपर वाला को ऊपर में और नीचे वाला को बट्टा में, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन इनटू लॉग, और नीचा में जो फंक्शन रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे आंसर बन जाएगा, ज्यों का त्यों लिख देंगे आंसर बन जाएगा। आइए अब हम आपको इसके दूसरे सवाल की तरफ लेके चलते हैं, इसका दूसरा सवाल भी आपके सामने है, देखिएगा। अब मान लीजिए कि इसका बनाना है कि y बराबर log x और इसके पावर में है cos x। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बटा dx का मान कैसे निकालेंगे भाई, समझिए। दिए गए फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, दिए गए फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसके बाद ऊपर वाला को ऊपर में, नीचे वाला को बट्टा में, ऊपर वाला को ऊपर में, नीचे वाला को बट्टा में, इसके बाद नीचे वाला का डिफरेंशिएशन लॉग का डिफरेंशिएशन एक बटा एक्स, प्लस ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, इसलिए यहां पर आप जो है ना डायरेक्ट माइनस साइन लिख दीजिए, ठीक है ना। तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग, हमेशा लिखना है, और लॉग लिखने के बाद जो नीचा में फंक्शन रहेगा उसको इसके बगल में लिख देना है, तो लॉग लॉग एक्स इसका आंसर, ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है ना। बस एक लाइन में आप सवाल का आंसर लिख सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कि ए है में दो गो रहेगा, तो दोनों है, मान लीजिए कि इसका निकाले फिर इसका निकाले, बीच दोनों को जोड़ दीजिए, तो एक के बार में निकल गया। जैसे दो गो फंक्शन वाला आ जाएगा, तो वैसे ही कीजिएगा कि दोनों को निकाल के बस बीच में प्लस कर दीजिएगा, हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप एक्सरसाइज 5.5 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक लाइन में करके मुझे एक बार व्हाट्सएप पर भेजेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6200122528, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.5 के जितने भी प्रश्न हैं आप सबको सिर्फ एक लाइन में बनाकर भेज देना है, यदि ऑब्जेक्टिव वहां से पूछेगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। उम्मीद है कि आपको बेहतर लगा हो, और यदि लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।